नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसोमनिया के बारे में, यानी कि अनिद्रा के बारे में। अगर सोना आपके लिए ज़रूरी काम बन जाए तो समझिए कुछ गड़बड़ी है। अनिद्रा आम भारतीयों की शिकायत बनती जा रही है। इंसोमनिया कोई बीमारी नहीं बल्कि खराब जीवन शैली से उत्पन्न हुई नींद संबंधी समस्या है। इंसोमनिया अगर लंबे समय तक रहे तो ये गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। तो अगर आप भी इंसोमनिया से परेशान हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में बताएंगे अनिद्रा को भगाने के कुछ घरेलू इलाज। डॉक्टर कहते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य और ज़िंदगी के लिए एक आम इंसान को 7 से 8 घंटे अवश्य सोना ही चाहिए, लेकिन नौकरी और बिजनेस के प्रेशर में और बिजी लाइफस्टाइल में हम आगे भागने की दौड़ में हम नींद को ही भूल जाते हैं। और बाद में जब नींद काफ़ी सताने लगती है तो हम स्लीपिंग पिल्स लेने लगते हैं, लेकिन स्लीपिंग पिल्स लेने से बेहतर है कि हम कुछ ऐसे आसान घरेलू इलाज करें जिससे शरीर की थकावट दूर हो और हमें बेहतर नींद मिल सके। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो उपाय जिनसे हम अच्छी नींद ले सकते हैं। हरी साग और सब्जियाँ ज़्यादा मात्रा में खाएँ। हरी साग और सब्जी शरीर के लिए ही नहीं बल्कि नींद के लिए भी अच्छी होती हैं। खासकर जिन सागों के पत्ते बड़े हों और उसमें लिसलिसापन हो तो ये नींद आने में काफ़ी मदद करता है। पोरों और पालक के साग को नियमित रूप से खाएं, इससे बेहतर नींद आएगी। अनिद्रा को भगाने का एक और उपाय है मैग्नीशियम और कैल्शियम का। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही नींद बढ़ाने वाली केमिकल कही जाती है। यह दोनों साथ मिली जाए तो ये असरदार होती हैं। मैग्नीशियम खाने से दिल की बीमारी का खतरा भी कम हो जाता है। रात में 200 mg मैग्नीशियम और 600 mg कैल्शियम निश्चित रूप से खाएं, बेहतर नींद आने लगेगी। अनिद्रा को भगाने का एक और उपाय है जंगली सलाद पत्ता। अगर आपको टेंशन, सिरदर्द, मांसपेशियां और जोड़ों के दर्द की शिकायत रहती होगी तो आप जंगली सलाद पत्ते को जरूर जानते होंगे। ये शरीर की थकावट, डिप्रेशन और अनिद्रा में भी काफ़ी असरदार होती है। सोने से पहले इसे पैरों में 30 से 120 मिलीग्राम लगा लें, थकावट गायब हो जाएगी और आपको चैन की नींद भी आ जाएगी। अनिद्रा को दूर भगाने का एक और उपाय है होप्स। ये एक प्रकार का जंगली पौधा है जिसके फल का उपयोग शराब या बियर बनाने में काम आता है। अनिद्रा, टेंशन और डिप्रेशन के मरीजों को इसके फल का रस पिलाया जाता है ताकि उनको आराम की नींद मिल सके। अनिद्रा को भगाने का एक और अच्छा उपाय है एरोमाथेरेपी। सुगंध का मस्तिष्क से गहरा संबंध होता है। बहुत सारे लोग अपने बेड पर तकिए के नीचे चमेली के फूल रखकर सोते हैं। कई लोग अपने बालकनी में रजनीगंधा या इसी तरह के सुगंधित फूलों के पौधे लगाकर रखते हैं ताकि उनको इसकी सुगंध से अच्छी नींद आ सके। लेवेंडर के फूल भी काफ़ी असरदार होते हैं। अनिद्रा के मरीजों के लिए तकिए के नीचे इसके फूल रख देने से सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है और उनको अच्छी नींद आने लगती है। अनिद्रा को भगाने का एक और उपाय है योगा और मेडिटेशन। योग और ध्यान को नियमित अभ्यास में लाएं। योग में ज़्यादा कठिन आसन नहीं करने हैं बल्कि साधारण आसन करने हैं जिनसे मन को शांति मिले। बेड पर जाने से पहले 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान के दौरान कहीं भटके नहीं और अपना मन सिर्फ अपनी सांस पर एकाग्र करें, इससे आपको अच्छी नींद आने लगेगी। अनिद्रा को भगाने का एक और उपाय है ग्रीन टी। ग्रीन टी में L-थियानिन नाम का एमिनो एसिड पाया जाता है। इसे दिन में पीने से चुस्ती और ताजगी छाई रहती है और अगर आप इसे रात को पीते हो तो मन में शांति होती है और आपको अच्छी नींद का एहसास भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, बस यही थी मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन इंसोमनिया के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो पुट कीजिए उसे कमेंट बॉक्स में ताकि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। और अगर आप नए हैं मेरे इस YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।